गाइस, मैं हूँ लिपिका और आप देख रहे हो लिपिकास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। ये चैनल का फर्स्ट वीडियो है एंड आई होप जो भी देखे ये वीडियो उनको पसंद आए। ये बहुत ही छोटी सी एक ट्रिप थी, एक मीटिंग अटेंड करने मैं जा रही थी दुर्गापुर से पांडवेश्वर, ये दो चंगू मंगू के साथ। मैंने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बनाया जाए और आप सबके साथ शेयर किया जाए, सिंपल सा। और आई होप कि आपको पसंद आएगा। ये वीडियो 12 जुलाई का है और मैं अपलोड कर रही हूँ 13 जुलाई यानी कि आज। जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं एक मीटिंग अटेंड करने जा रही थी और साथ में मेरे दो कलीग भी थे। मैंने सोचा क्यों ना इसका वीडियो बनाया जाए और जो बाहर के हैं, आई मीन वेस्ट बंगाल के बाहर के, या फिर वेस्ट बंगाल में भी बहुत लोग हैं जो कि पांडवेश्वर, आसानसोल इस साइड कभी नहीं आए, तो वो भी देख लेंगे कि कितनी अच्छी जगह है। और वैसे भी घूमना फिरना सबको अच्छा लगता है ना, तो हम लोग बहुत से जगह पे घूमते रहते हैं, सब कोई अपने अपने हिसाब से, तो हर कोई ऐसे वीडियोस पसंद करते हैं। मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ। जो जो जगह मैं नहीं जा पाती वो सारे वीडियोस मैं देखती हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद आता है। और ख़ास करके ये पांडवेश्वर आसानसोल रानीगंज, ये जो साइड है ना, इसमें इसको कोलियरी इलाका बोला जाता है। इधर से बहुत सारी कोल यानी कि कोयला मिलता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक खदान पे भी हम लोग गए थे, वहीं पे रुके थे, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। जो इस साइड के लोग हैं उनके लिए तो आम बात है, वो सब तो देखते हैं, लेकिन जो ये कोल माइनिंग नहीं देखे हैं या फिर सब मूवियों में देखा है, आपको वो आज मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। वेदर काफ़ी अच्छा था, जैसे कि आप देख रहे हो मॉनसून का टाइम है, कभी कभी बारिश भी हो रही थी और कभी रुक भी जा रही थी, है ना। इस तरीके से अभी हम लोग थोड़ा सा रुके थे यहाँ पे, दूर में एक छोटा सा ठेला वाला दिख रहा है, वहाँ पे थोड़े बहुत स्नैक्स हम लोग उठाया और उसके बाद वापस से हम लोग चलने लगे। देखिए ये जो टाइम है अभी सूरज ढलते हुए, तो कितना ब्यूटीफुल है स्काई। काफ़ी खाली एरिया है, आप देख रहे हो काफ़ी इलाका खाली है यहाँ पे, और बहुत दूर दूर बाद छोटा छोटा सा गांव है, उसके बाद छोटे छोटे से टाउन है, काफ़ी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और बीच बीच में जैसे कि ये आप देख रहे हो एक फैक्ट्री है किसी ना किसी चीज़ का, तो वो तो दिखा नहीं हमें बाहर से। वापस से हम लोग आ गए, छोटा सा टाउन देखिए, छोटी सी मार्केट, आगे जाके ये ख़त्म हो जाएगी। ये देखते हुए हम लोग आ गए मेन रोड पे, और जैसे कि नज़ारा आप देख रहे हो कितना औसम है ना। दोनों साइड से इतने बड़े बड़े पेड़ हैं और पूरा रोड को ये घिरे हुए हैं, आप बस देखते रहिए। आगे जाते ही हम लोग पहुंच गए थे झांझरा, और ये है झांझरा स्टाफ क्वार्टर्स। जो भी माइनिंग रिगार्डिंग जॉब करते हैं यहाँ पे, उनके सारे क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, कुछ लेफ्ट साइड में कुछ राइट साइड में, आप देख सकते हो बोथ साइड सेम क्वार्टर्स हैं, सेम कलर सेम पैटर्न, तो ये सारे क्वार्टर्स हैं स्टाफ के। और यहाँ से कुछ मिनट के दूरी पे ही हम लोग रुक गए थे, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था आपको कि कुछ आज इस वीडियो में खास दिखाने वाली हूँ, और वो है इस पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे माइनिंग
होती है, और ये सारे इलाका जिस वजह से इतना फेमस है वो है सिर्फ़ और सिर्फ माइनिंग रिगार्डिंग ही। बहुत सारे यहाँ से कोयला निकाला जाता है, आप देख सकते हो भरपूर कोयला का सोर्स है ये जगह। जैसे आप देखो किधर हम लोग खड़े हैं और कितना डीप है ये। वैसे ये अभी नया माइनिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये उतना डीप नहीं है। अगल बगल सबसे बात किया तो इससे भी डीप आगे जाके था, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं था दिस टाइम भी, मतलब कल को, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि काम से मैं निकली थी, तो इस वजह से मैंने इधर का ही वीडियो ले लिया। और आप जो वीडियो में मूवी में आप देखते हो तो आप एक बार इसे भी देखो और एन्जॉय करो कि कितना बड़ा खदान है कोयला का। और देखिए सूरज ढलते हुए, अब बस दूर से ना बस देखो जेसीबी जो है वो कितना छोटा छोटा, और आपको दिख रहा है इंसान यहाँ पे, बट है यहाँ पे एक्चुअल में है, नीचे लोग हैं माइनिंग के लिए, और दूर दूर से ट्रक है। आपको मैं जूम करके दिखाऊंगी कितना छोटा, आप देखिए ये जो छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं फिंगर पॉइंट करके भी आपको दिखाऊंगी, इतने छोटे लग रहे हैं वो लोग, तो सोचिए कितना डीप है ये खदान। खदान है उसके ऑपोजिट में गांव है, और जब हम तीनों को देखा यहाँ पे वीडियो और फोटोज क्लिक करते हुए, तो भाग के दो अनमोल रतन करण अर्जुन आ गए यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बड़े ही शर्मीले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं, हम लोगों को इतने सारे सवाल पूछे, सो इन लोगों को शर्म के मारे देखिए देखिए फेस ढकते हुए बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे कुछ बात कर रहे थे। तो बहुत पूछने के बाद इन्होंने बताया, जो ब्लू कलर के टी शर्ट में है, इन्होंने बताया कि इनका नाम टीटू है और स्कूल का नाम देव है, काफ़ी अच्छा नाम है। और ये जो बड़े वाले हैं इनका नाम ईश्वर है, दोनों का नाम ही बहुत ही अच्छा है। और हम लोगों ने बोला इनको कि थोड़ा पोज लो अच्छे से, तो काफ़ी प्यारा सा पिक्चर हम लोगों ने क्लिक किया। और बस इन्हीं से थोड़े बहुत बातचीत करते हुए बस अभी यहाँ से निकलने की बारी है, जाते जाते कुछ अच्छा सा नज़ारा कैप्चर करते हुए आप सबके लिए। और नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे वापस से आएंगे कुछ हील्स भी दिखाएंगे, अभी जाते टाइम आप देख पाओगे छोटे छोटे हील्स हैं जो कि काफ़ी दूर है यहाँ से। तो हम लोगों ने प्लानिंग कर रहे थे हम लोग सॉरी कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे वो हिल्स का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही अच्छा जगह है, कभी अगर आप किसी को भी आने का मन है सो प्लीज़ आइए। पांडवेश्वर, रानीगंज, झांझरा, ये सारे कोलियरी इलाका है, आप लोग आइए घूमिए, आपको बहुत पसंद आएगा सच्ची में। तो अभी वीडियो यहाँ पे एंड करते हुए इस उम्मीद के साथ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा, थैंक यू।